हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। जैसा कि गाइस आप लोग जान रहे हैं कि आपका टाइम टेबल आ गया है, तो टाइम टेबल के हिसाब से अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। गाइस आज जो हम लोगों का है टॉपिक वह है शुक्र जनन स्पर्मेटोगोनिया। शुक्र जनन, तो गाइस शुक्र जनन यह नर में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभाजन के दौरान शुक्राणु का निर्माण होता है। गाइस शुक्र जनन नर में पाया जाने वाला प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो गाइस आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसमें आता है हम लोगों का शुक्र कोशिका। गाइज इसकी पोलरिटी 2N होती है, इसकी पोलरिटी 2N होती है। अब यह समसूत्री समविभाजन के दौरान दो भागों में बट जाएगा। समसूत्री समविभाजन के दौरान दो भागों में बट जाएगा। फिर यह जो बटा हुआ है यह भी दो भागों में बट जाएगा। फिर यह भी समसूत्री समविभाजन करके दो भागों में बट जाएगा, दो भागों में बट जाएगा। फिर इसके पश्चात गाइस जो इसमें से यह एक है, हम केवल एक को ही लेकर दिखा रहे हैं, यह धीरे धीरे वृद्धि करेगा। वृद्धि करके जब यह मैच्योर हो जाएगा तब यह जो है यह समसूत्री अर्धविभाजन करेगा। समसूत्री अर्धविभाजन करके यन पोलरिटी वाले दो शुक्र कोशिका का निर्माण कर देगा। फिर यह धीरे धीरे यह भी दो भागों में बढ़ जाएगा समसूत्री अर्धविभाजन के दौरान। तो इनकी पोलरिटी यन हो जाएगी, इनकी पोलरिटी यन हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से गाइस इसमें भी यही प्रोसेस होगा, यह वृद्धि करेगा या भी दो भाग या वृद्धि करके यह समसूत्री विभाजन के दौरान दो भागों में यह भी बढ़ जाएगा, दो भागों में यह भी बढ़ जाएगा। दो भागों में यह भी बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यह भी बढ़ जाएगा और यह भी बढ़ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो 2N है, पहले तो इसमें क्या हुआ, यह शुक्र कोशिका इसमें समसूत्री समसूत्री संविभाजन होने के पश्चात यह दूसरी शुक्र कोशिका हो जाएगी, या इसे हम लोग बोल सकते हैं विभाजित शुक्र कोशिका। फिर गाइस फिर इसमें समसूत्री समविभाजन होगा, इसमें फिर से समसूत्री समविभाजन होगा जिसके पश्चात फिर यह दो भागों में बढ़ जाएगा। इसकी पोलरिटी 2N व इसकी भी पोलरिटी 2N हो जाएगी। फिर गाइस यह जो 2N है इसकी पोलरिटी यह वृद्धि करेगा, वृद्धि करके फिर यह परिपक्व मैच्योर अवस्था में आ जाएगा। मैच्योर अवस्था में आने के पश्चात गाइस यह फिर समसूत्री अर्धविभाजन। गाइस यह समसूत्री अर्धविभाजन करके दो भागों में बढ़ जाएगा। फिर यह समसूत्री अर्धविभाजन करके फिर यह दो भागों में बढ़ जाएगा। तो गाइस अब यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा, अब यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। गाइस अब यहाँ पे हम लोगों का शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। तो गाइस इस पूरे प्रोसेस में एक शुक्र कोशिका के एक भाग से चार शुक्राणु का निर्माण हुआ। गाइज इसमें से जो है सब परिपक्व रहेंगे, किसी की भी कोई भी नष्ट नहीं होगा। इसमें से सब पोषण पाकर विकसित रहेंगे, आगे चलकर वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे। तो गाइज इसमें यह चार का निर्माण हुआ, तो यह टोटली चार प्रोसेस है। तो 4×4=16 स्पर्म, तो इसमें 16 स्पर्म का निर्माण होगा।
गाइस इसमें 16 स्पर्म का निर्माण होगा। गाइस पहले जो शुक्र कोशिका है यह समसूत्री विभाजन के दौरान दो भागों में बढ़ जाएगा। जो पहला भाग है इसे हम लोग विभाजित शुक्र कोशिका या दूसरी शुक्र कोशिका कहते हैं। फिर यह जो है दो भागों में बढ़ जाएगा समसूत्री समविभाजन के दौरान। यह भी समसूत्री समविभाजन के दौरान दो भागों में बढ़ जाएगा। फिर यह जो है जब वृद्धि करेगा परिपक्व की अवस्था में आएगा गाइस, तो परिपक्व की अवस्था में आने के पश्चात यह समसूत्री अर्धविभाजन करेगा। समसूत्री अर्धविभाजन करने के पश्चात यह दो भागों में बढ़ जाएगा। फिर जो इसका एक भाग ये है, इसका एक भाग है, फिर ये दोनों भी समसूत्री अर्धविभाजन करेंगे। समसूत्री अर्धविभाजन करने के पश्चात इसका जो एक है यह दो भागों में बढ़ गया और यह भी दो भागों में बढ़ गया। तो गाइस इसमें टोटली 4 शुक्राणु का निर्माण हुआ। तो इसमें 4 कोशिकाएं हैं, तो यह भी धीरे धीरे विकसित होकर यह 4 में बटेगी, यह भी 4 में बटेगी, यह भी 4 में बटेगी। तो अंत में एक शुक्र कोशिका से हम लोगों को 16 स्पर्म 16 शुक्राणु मिलते हैं। गाइस एक शुक्र कोशिका से एक शुक्र कोशिका से 16 शुक्राणु 16 स्पर्म एक शुक्र कोशिका से 16 शुक्राणु का निर्माण होगा। गाइस अब आइए हम लोग इसकी पोलरिटी को देखते हैं। गाइस जो मानव में होता है गुणसूत्रों की संख्या 46, क्योंकि यहाँ पे 2n है, यहाँ पर भी आइए 46 कर देते हैं। देखते हैं जो हम लोगों का शुक्राणु होता है वह n बराबर 23 आता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पर 46 हो गया। फिर यह समसूत्री समविभाजन में विभाजित हुआ, समसूत्री समविभाजन हुआ, तो फिर यहाँ पर भी 46 आएगा, यहाँ पर भी 46। तो गाइस अब यह वृद्धि करेगा, 46 ही है अभी, अब यह वृद्धि करके दो समसूत्री अर्धविभाजन करेगा, तो 23 यहाँ पे आया, 23 यहाँ पे आया। फिर आने के पश्चात फिर यह दो भाग में विभाजित हो जाएगा, 23 यहाँ पे आया, 23 यहाँ पे आया। तो गाइस हम लोगों के जो शुक्राणु की पोलरिटी है वह 23 आया है, तभी तो गाइस जब हम लोगों का लिंग निर्धारण होता है 22 कामन होते हैं, यह हो गया फीमेल का और यह मेल 22XX+XY। तो गाइस इसमें से लिंग निर्धारण एक करता है, यह गया और यह आया, तो इसे फीमेल बनेगा। इसकी जो पोलरिटी है 23, इसकी जो पोलरिटी है 23 मिलकर या 46 गुणसूत्र का शिशु निर्माण करते हैं। तो गाइस एक बार फिर से एक शुक्र जनन में शुक्र कोशिका के द्वारा 16 स्पर्म का निर्माण होता है। और गाइस जो अंड जनन होता है, अंड जनन में एक अंड कोशिका के द्वारा चार अंडाणु का निर्माण होता है। यह हो गया गाइस हम लोगों का पूरा प्रक्रम शुक्र जनन। वह शुक्र जनन के दौरान शुक्र कोशिका बना, शुक्र कोशिका के बाद यह समसूत्री समविभाजन, फिर इसमें दो बार समसूत्री समविभाजन, फिर इसके पश्चात दो बार समसूत्री अर्धविभाजन। फिर इसके पश्चात गाइस जब हम लोगों का 16 स्पर्म का निर्माण हुआ, तो गाइस शुक्र जनन में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए दो बार समसूत्री अर्धविभाजन होता है, जिसके पश्चात अंत में हम लोगों को 16 स्पर्म का निर्माण होता है। तो गाइस यह हो गया अब हम लोगों का पूरा शुक्र जनन का कोशिका। गाइस अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।